बैक टू माई चैनल, मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माई क्रीम कंदील का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर कोई नया है तो। साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी दिवाली का वीक चल रहा है तो इसलिए मैंने दिवाली की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने और भी इससे पहले भी कंदील डाले हैं माइक्रेम से, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक 30 सेकेंड का एक वीडियो डाला था जो कि मुझे एक ऑर्डर आई थी, तो वो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला था। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि इसका वीडियो बनाइए, तो सेम तो मैंने नहीं बनाया है, उसमें भी थोड़ा मैंने और इसमें पैटर्न डिज़ाइन ऐड की है, तो वही कंदील का वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। तो माइक्रेम बीडेड कंदील बनाने के लिए हमें चाहिए राउंड शेप के 3 रिंग। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो रिंग यूज़ की है वो 7 इंच की रिंग है दोनों, और नीचे जो मैंने रिंग यूज़ की है 10 इंच की रिंग है, और स्काई ब्लू कलर के बिट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और डार्क पिंक कलर जिसे हम रानी कलर भी कहते हैं वो बिट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये दो बिट्स का मैंने मटका शेप बिट्स के कॉम्बिनेशन किया है, आप चाहे आपके कलर अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बेल यूज़ किए हैं मैंने रेड कलर के, आप चाहे तो इनमें से ही कोई एक कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने रेड कलर यहाँ पर यूज़ किया है। और ऑफ वाइट कलर का माइक्रेम कॉर्ड लिया है, इसकी जगह भी आप दूसरे कलर का माइक्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ वाइट कलर में बीड्स अच्छे से खिल के दिखते हैं इसलिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का यूज़ किया है। और हमें चाहिए एक प्लास्टिक का बॉल, तो यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का प्लास्टिक का बॉल लिया है। आई नो इस पर भी मुझे कमेंट आएंगे कि हिट की वजह से इसे कुछ होगा या नहीं, ब्लब की हिट की वजह से, तो जी नहीं, इसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, थिक मटेरियल में ये बनाया गया है बॉल है, तो ये मैंने यूज़ किया है, साथ ही साथ लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑफ वाइट कलर के 8 कॉर्ड लिए हैं और सारे कॉर्ड हमारे 4 मीटर के हैं, और इसे मैंने इस तरह से हाफ कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक 1/2 मीटर की कॉर्ड ली है और इस कॉर्ड से यहाँ पर अभी हम रैप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने हैंग करने के लिए एक लूप बना लिया है। आपको ये अगर लूप बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं या फिर छोटा भी बना सकते हैं, तो मैंने ये मीडियम साइज़ का बनाया है। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक कॉर्ड ली है और इसे हम इस तरह से इसका लूप बनाएंगे पहले, और फिर यहाँ से रैप करना स्टार्ट करेंगे। और वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो मेरी बच्ची यहाँ पर खेल रही है तो उसकी आवाज़ है। बाकी बची जो कॉर्ड है वो हम इस लूप से बाहर निकालेंगे और ये ऊपर की जो कॉर्ड है इसे खींच कर टाइट कर लेंगे, और बाकी बचे जो कॉर्ड है अभी जो हमने रैप की थी उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर एक ये लूप बनकर रेडी है। अगर आपके पास रिंग ना हो तो आप इस तरह का लूप भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये टोटल हमने यहाँ पर 8 कॉर्ड डाले थे, तो डबल होकर हमें यहाँ पर मिलते हैं 16 कॉर्ड। अभी उसमें से मैंने यहाँ पर 4 कॉर्ड लिए हैं, स्क्वायर नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर गैप रखकर मैंने एक नॉट लगाया है। इसके बाद मैंने ये डार्क पिंक कलर की बीट्स डाले हैं, इसमें मटका शेप बीट्स डाला है, और उसके बाद हम फिर से एक लगाएंगे स्क्वायर नॉट।
फिर से बीट्स, स्क्वायर नॉट, तो यहाँ पर देखिए 6 बिट्स डालकर मैंने इस तरह से ये कॉलम बना लिया है। इसी तरह से हम और 3 कॉलम बना लेंगे। तो 4-4 कॉर्ड को लेकर हमें एक एक कॉलम बनाना है, तो टोटल ये 4 कॉलम हमें मिल जाएंगे। तो देखिए गाइज, ये 4 कॉलम मैंने इस तरह से बिट्स डालकर इसे कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम लेंगे एक राउंड शेप रिंग, जो मैंने 7 इंच की एक रिंग ली है यहाँ पर राउंड शेप, और हम एक एक कॉलम इस पर अटैच करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो है डबल पाइपिंग नहीं करेंगे, सिंगल ही पाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले कॉर्ड को अंदर ले लेते हैं, सारे कॉर्ड को। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम ले लिया और इस रिंग के ऊपर हम इसे पाइपिंग करेंगे, लेकिन हम सिंगल पाइपिंग करेंगे। यहाँ पर सारे कॉर्ड को एक एक बार ही इसके ऊपर डालेंगे। और फिर सारे कॉर्ड को इस तरह से हम टाइट कर लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट। तो बाकी 3 भी इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। तो गाइस देखिए, ये जो कॉलम है वो मैंने यहाँ पर अटैच किए है। उसके बाद में ये जो गैप बचता है वहाँ पर हमें कॉर्ड डालने हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कॉर्ड अभी अटैच किए है बीच बीच में जो गैप है वहाँ पर, वो हमने 3 मीटर्स की कॉर्ड ली है। तो कॉर्ड को हाफ कर लेंगे, इस तरह से लूप बनाएंगे, रिंग के नीचे से कॉर्ड को लेंगे और लूप के अंदर डालते हुए इस तरह से कॉर्ड को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉर्ड इस रिंग में अटैच कर लिए हैं। जितना जो गैप बचता है वहाँ पर मैंने सारे कॉर्ड डाल लिए हैं। और ये जो कॉर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किए वो 3 मीटर के कॉर्ड है, और हमें एक गैप में 13 कॉर्ड लगेंगे। तो मैंने 13 कॉर्ड चारों जगह पर डाले हैं। तो टोटल हमारे जो कॉर्ड है वो 52 कॉर्ड है और सारे 3 मीटर्स के कॉर्ड है। अब हम यहाँ से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पूरा ये सर्कल हमें इसी तरह से नॉट लगा लेना है। तो एक पूरा सर्कल मैंने ये स्क्वायर नॉट लगा लिए है। अब फिर से और एक लाइन हमें इसी तरह से नॉट लगाना है। तो 2 नॉट के बीच में हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
यहाँ पर मैंने दो लाइन सिंपल स्क्वायर नॉट लगाए हैं। अब हम इसमें बीट डालेंगे, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दो नॉट के बीच में। तो मैंने ये दो कॉलम का जो सेंटर है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर का बीट डाला है, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम फिर से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बिट डालने के बाद मैंने यहाँ पर पांच नॉट लगाए हैं। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर एक मटका शेप पिंक कलर का बिट डालेंगे, इसके आगे फिर से पांच नॉट लगाएंगे, फिर बिट डालेंगे, फिर पांच नॉट लगाएंगे, फिर बिट डालेंगे। तो इस तरह से ये सर्कल पूरा हमें कंप्लीट करना है। तो थर्ड लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन जहाँ पर हमने बीट्स डाला था वहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लाइन है फोर्थ लाइन वहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। तो देखिए ये जो बीट्स डाले हैं वो जो दो कॉर्ड है उसे मैंने डिवाइड किया है, और ये जो नॉट है और बीट्स के बीच के कॉर्ड को लेकर यहाँ पर अभी हम एक नॉट लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो फोर्थ लाइन है उसकी शुरुआत बीट से ही इस तरह से करेंगे। अभी देखिए यहाँ से एक कॉर्ड बचता है, उसे लेकर यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। अब फिर से दो नॉट के बीच में नॉट लगाएंगे, और सेम जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था उसी तरह से डिवाइड करके इस तरह से नॉट लगाएंगे हम, और ये जो फोर्थ लाइन है इसे भी कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे नेक्स्ट लाइन में फिर से हम इसी के नीचे हम बीट्स डालेंगे, और ऐसे करते हुए फिफ्थ लाइन कंप्लीट करेंगे, और फिर दो लाइन जो है वो हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो बीट्स है वो मैंने लाइन आपको बताई, उसके नीचे मैंने सिर्फ एक सिंपल नॉट की लाइन पूरा सर्कल लगाई। उसके बाद में जैसे कि मैंने ऊपर बीट्स डाला था उसी तरह से नीचे बीट्स डाला है दो नॉट के बीच में, और फिर मैंने लास्ट में ये जो लाइन है वो कम्प्लीट की। उसके बाद में मैंने फिर लास्ट में ऊपर जैसे मैंने दो लाइन नॉट लगाया है उसी तरह से नीचे भी मैंने लगाया है, और इस तरह से ये हमारा पूरा एक जो सर्कल है वो हमारा बनके कंप्लीट है, और टोटल ये सिक्स लाइन नॉट लगाया है। अब मैंने यहाँ पर फिर से सेवन इंच की राउंड शेप रिंग ली है, तो हम सारे कॉर्ड को इसके अंदर डाल लेंगे पहले। तो रिंग को अंदर डालने के बाद कहीं से भी एक जगह से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉर्ड लिए है, जो फर्स्ट कॉर्ड है उसे हम डबल रैप करेंगे यहाँ पर, के बाद मिडल वाले जो दो कॉर्ड है उनको हम सिंगल रैप करेंगे, और लास्ट वाला जो है उसे हम फिर से डबल रैप करेंगे। इस तरह से फर्स्ट कॉर्ड और लास्ट कॉर्ड डबल रैप, और बीच वाला जो है वो सिंगल रैप। तो उसी तरह से अभी हमें पूरी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। तो रिंग लगाने के बाद अब हम यहाँ से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो
कोई भी चार कॉर्ड लेकर नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने नॉट लगाकर ये लाइन पूरी कंप्लीट की है। उसके बाद में दो नॉट के बीच में मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर के लाइट कलर के बीट्स डाले हैं और अब हम एक लाइन ये पूरी बीट्स डालकर सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। ऊपर की जो एक लाइन है वो बीट्स डालकर नॉट लगाकर हमने कंप्लीट की है। अभी सेकंड लाइन में भी मैंने इसी तरह से दो नॉट के बीच में स्काई ब्लू कलर की ही बीट डाली है और ये सेकंड राउंड भी हम इसी तरह से सिंपल स्क्वायर नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए दो लाइन हमने स्काई ब्लू बीट्स डालकर ही कंप्लीट की है। थर्ड लाइन से हम एक पैटर्न यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे और कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो उसके लिए देखिए थर्ड लाइन में मैंने यहाँ पर एक ये पिंक कलर डार्क पिंक कलर का बीट्स डाला है मटका शेप। उसके बाद में मैंने ये स्काई ब्लू कलर के 5 बीट्स डाले है। फिर एक मैंने यहाँ पर डार्क पिंक कलर का मटका शेप बीट्स डाला है। फिर यहाँ पर मैंने 5 स्काई ब्लू कलर के बीट्स डाले। तो इसी तरह से 5 बीट्स होने के बाद एक पिंक कलर का बीट्स। तो इस तरह से ये मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट किया है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर नॉट लगाए उसी तरह से हम ये लाइन भी नॉट लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में हमने एक एक डार्क पिंक कलर के बीट्स डालकर ये जो लाइन है थर्ड लाइन वो कंप्लीट की है। 5 ब्लू कलर के बीट्स और एक डार्क पिंक कलर का बीट्स हमने डाला है। अब देखिए नीचे हमें पिंक कलर से ही पैटर्न बनाना है। तो नेक्स्ट जो लाइन है जो पिंक कलर की सेकेंड लाइन जो है उसमें हमने 2 पिंक कलर के बीट्स डाले है। एक ब्लू और पिंक के बीच में डाला है, सेम दूसरे साइड में भी उसी तरह से। तो यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है पिंक की वहाँ पर हमें ये 2 बीट्स मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप में 5 ब्लू बीट्स आए थे, तो अभी यहाँ पर 4 ब्लू बीट्स आएंगे। फिर से यहाँ पर 2 मैंने बीट्स डाले, फिर 4 ब्लू, फिर 2 पिंक कलर के बीट्स। तो इस तरह से ये हमें पिंक कलर की जो सेकेंड लाइन है वो कम्प्लीट करनी है और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट। तो मैंने सारे बीट्स सबसे पहले ही डाल लिए हैं, पूरा सर्कल मैंने बीट्स पहले डाले हैं, उसके बाद में अभी हम लगा रहे हैं नॉट। तो इसी तरह से जैसे कि हमने बीट डाले थे और उसके नीचे एक पूरा सर्कल हम ये स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने ये 2 बीट्स डालकर ये जो लाइन कंप्लीट की थी उसी तरह अभी नीचे आएंगे 3 पिंक कलर के बीट्स और 3 ब्लू कलर के बीट्स, फिर 3 पिंक कलर के बीट्स। तो इस तरह से ये थर्ड राउंड भी हमें कंप्लीट करना है और इसी तरह से बीट्स डालते हुए हमें कुछ इस तरह का ये जो पैटर्न है वो बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, फिर सेकंड, 2 बीट्स, 3 बीट्स, 4 और लास्ट में 5 बीट्स। उसके बाद में फिर से हम बीट्स कम करते जाएंगे जैसे कि 4, 3 और 2 और 1। तो इस तरह से ये हमें पैटर्न बनाना है।
तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पैटर्न हमने इस तरह से बना लिया है और ये टोटल 5 बार ये पिंक कलर का जो पैटर्न है वो रिपीट हुआ है और ये लास्ट बीट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं। इसका नॉट्स में नॉट जो है वो मैंने अभी तक नहीं लगाया है क्योंकि अभी हम इसके अंदर डालेंगे बॉल। तो मैंने यहाँ पर एक लिया है व्हाइट कलर का बॉल जिसे अभी मैं इसके अंदर डालूंगी। तो मैंने इसके अंदर डाला ये बॉल और यहाँ पर फिर से अभी हम नॉट लगाएंगे। तो ये जो हमारा पिंक कलर का पैटर्न है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर 2 लाइन स्काई ब्लू कलर की नॉट लगाई थी तो अभी हमें नीचे भी उसी तरह से नॉट लगाने हैं। और मैंने बीच में देखिए यहाँ पर नॉट थोड़े से मैंने लूज लगाए हैं ताकि बॉल का शेप अच्छे से आए, लेकिन अब ये नीचे के जो नॉट है वो हम फिर से टाइट लगाएंगे। तो इस तरह से ये टाइट नॉट लगाते हुए हमें 3 लाइन टोटल ये कंप्लीट करनी है। सो गाइज यहाँ पर देखिए बॉल लगाकर मैंने ये नीचे की भी 3 लाइन जो है वो कंप्लीट की है। जैसे कि हमने ऊपर ब्लू कलर की 2 लाइन की थी वैसे ही मैंने यहाँ पर नीचे की है। अब ये हमारा जो बीट्स डालकर जो प्रोसीजर था वो पूरा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर और एक राउंड शेप रिंग ली है जो हमारी 10 इंच की रिंग है। अब हम सारे कॉर्ड को इसके अंदर से निकालेंगे। और कहीं भी एक जगह से स्टार्ट करेंगे पाइपिंग करना। सारे कॉर्ड जो है वो इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे क्योंकि ऊपर जो है वो हमने रिंग छोटी यूज़ की है और नीचे हमारी रिंग बड़ी है तो आराम से सारे कॉर्ड इसमें आ जाएंगे। देखिए सारी रिंग को मैंने सारे कॉर्ड जो है वो अटैच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक लाइन नॉट लगा लेंगे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस रिंग लगाकर यहाँ पर एक सिंपल स्क्वायर नॉट की लाइन जो है वो हमने कंप्लीट की है। अब हमें इसे कट करना है तो कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच तक इसे कट किया है 2 कॉर्ड को लेकर। आप चाहे तो सिंगल कॉर्ड को भी लेकर कट करके बेल लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर कॉर्ड ज़्यादा है तो वो थोड़ा ऑड बन जाएगा तो इसलिए मैंने 2-2 कॉर्ड को लेकर यहाँ पर कट किया है और उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने नेक्स्ट कॉर्ड कट की है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मेजर करके ये कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये 3rd वाला जो मैंने कट किया है उसका मेजर लेकर मैं नेक्स्ट वाला जो कॉर्ड है वो कट करने जा रही हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से इसका शेप आया है और ये मैंने पूरा 1x1 इसे कट कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल और बीट्स। तो मेरे पास रेड कलर के बेल अवेलेबल थे तो मैं वो लगा रही हूँ। आप सेम कलर भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक बीट, एक बीट्स डाला है रानी पिंक कलर का, उसके बाद में स्काई ब्लू कलर का एक बीट्स डाला है और ये मेरी बेटी की आवाज है और
और ये रेड कलर का मीडियम साइज का बेल मैंने यहाँ पर यूज किया है, और अभी हम इसे जलाकर स्टिक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमें ये बेल और बीट्स लगाने हैं। तो कुछ इस तरह से हमें ये बीट्स डाल के बेल लगाने हैं सारी जगह पर। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने बीट्स डालकर और बेल लगाकर ये कंप्लीट किया है, और फाइनली ये हमारा जो कंदील है वो बनकर रेडी है।